सलाद, अचार, रोटी। देखिए खा लेते तो बस इसी तरह जी मचलाने लगता, उल्टियां हो जाएंगी। बस भाई कैसे लगे साथ बता दो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। नहा के आए हैं तो चाय बना रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा लंच में क्या बनाए। सोच रहे थे मेथी मटर मलाई बनाए, तो ये मटर उबाल के रख ली थी, थोड़ी सी बॉइल कर ली थी, ये मेथी भी उबाल के रख ली है। अब देखते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। पहले चाय बना के चाय पी लेते हैं, फिर इसके बाद सोच रहे हैं कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बना ले, फिर सोचा चलो मेथी जब उबाल ली थी, मटर भी उबाल ली थी, तो मेथी मटर मलाई बना रहे। फिर ये थोड़ा तेल डाल दिया, ये प्याज काट ली है, टमाटर काट ली है, अदरक लहसुन मिर्ची काट ली है, थोड़े से काजू ले रहे 4-6 ठो, ये इतने काजू ले लिए हैं, जीरा डाल दिया, ये अदरक लहसुन मिर्ची भी इसी बना लेते हैं। प्याज डाल दिए, थोड़ा सा इसको भूजे दे रहे, ये काजू भी डाल रहे इसमें, ये इतने काजू डाल दे रहे, ये टमाटर डाल दे, अब टमाटर को जला ले रहे, ये दो बड़ी इलायची डाले दे रहे, ये भुन गया, अब इसको बंद कर दे रहे गैस को। इसको ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी के जार में पीस लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। जब तक इसको निकाले दे, आटा लगाए दे रहे, ये मसाला ठंडा हो गया है, अभी मतलब उतना ठंडा नहीं हुआ है, मिक्सी के जार में डाल दे रहे तो ठंडा हो जाए, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा जब तक आटा लगाए ले रहे। आज मेथी मटर मलाई कुलचा बना रहे, ये कुलचा में उसमें ही आटा है, आधी आटा है आधा मैदा, मैदा ही मैदा के नहीं बना रहे क्योंकि नुकसान करती है मैदा ही मैदा। आधा मैदा ले लिया, आधा आटा ले लिया, ये नमक मिला लिया, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा थोड़ा सा, इतना बेकिंग सोडा डाला, थोड़ा सा और, ये मीठा सोडा है इतना, ये डाले दे रहे, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया इसमें, ये दही डाले दे रहे, थोड़ा जम गया दही और अच्छे बन गया। ये दही डाल दिया, दही, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा, नमक और सरसों का तेल, इतनी चीजें डाल के आटा को लगा के और रख के दे रहे थोड़ी देर के लिए, जब तक ग्रेवी पीस लेंगे। ये देखिए आटा लगा दिया, अब इसको पॉलीथिन में बांध के और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, 8-5 घंटे के लिए, जब तक सब्जी बना दे रहे। ये रख दी है, इसको साइड में कर देते, ये ठंडा हो गया, इसको पीस ले रहे। इसमें ये थोड़ी सूखे मसाले लिए ले रहे, हल्दी ले ली, धनिया ले ली, ये कसूरी मेथी ले ली, वो कश्मीरी मिर्च ले ली, गरम मसाला थोड़ा सा, इन सबको पानी से घोल लेंगे, पतला घोल बना ले रहे इसका, नहीं तो जल जाएंगे मसाले। ये इसमें छोड़ दे रहे तेल में, ये देखिए मसाले में तेल छोड़ दिया है, अब इसमें ये वाला डाल दे रहे, ये इतनी मलाई डाल देंगे, मेथी मटर मलाई में मलाई तो पड़ेगी ही, इसी के साथ ये मटर भी डाल देंगे इसमें, ये
नमक नहीं डाला है, नमक डाल दें। अभी मलाई डालिए, तब तक चलाएंगे, थोड़ा खौलने लगे ये। थोड़ी सी इसमें शक्कर भी डाल लेते हैं, हल्की सी मिठास अच्छी लगती है। इतनी शक्कर डाल दी, आधे चम्मच करीब शक्कर डाल दी। थोड़ा सा पानी और डाल दे रहे, क्योंकि अभी फलेगी तो गाढ़ी हो जाएगी बहुत। इस साइड इस तरह पानी लगा दे रहे। ये मेथी मटर मलाई बन के तैयार हो गई है। कुलचा सेक रहे हैं, देखिए कम तेल की बनाई है, ज्यादा तेल नहीं डाला। ये देखिए घी या बटर लगा के कुलचे सेक दिए जाते, तो हम तो घी लगा रहे हैं, बटर नहीं लगा रहे, बटर लगा घी लगा के सेक ले रहे हैं। ये लग गई है दोस्तों थाली, मेथी मटर मलाई कुलचा सलाद अचार रोटी। देखिए आइए दोस्तों, आप लोग खा लीजिए। ये साड़ी की लेस निकल गई थी, ये ब्लाउज वगैरह है कुछ ढीले थे, तो उनको टाइट करना मशीन यहीं रखी है, तो यहीं दुकान में बैठ के अपना ये काम कर लेंगे। खाना खाया है इन्होंने, भी खाना खा लिया है, ये बाहर बैठ गए हैं आके। खाना खा के आए नीचे, ये खाना खाने चले गए थे, तो मुझे पता नहीं एकदम से कैसा लगा। मैं ये मैदा वैदा की चीजें कम खा पाती हूँ, ये कुलचे खाए तो एकदम से जी में चलाने लगा, और बस यहाँ आए तो यहाँ वॉमिटिंग हो गई। यहाँ बैग के ऊपर, यहाँ बैग निकाल रहे थे कस्टमर को दिखाने को, तो यहाँ वॉमिटिंग हो गई, पूरे बैग खराब हो गए थे। यहाँ कुलचे बना लिए थे, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते हैं ये मैदा के कुलचे उलचे, नहीं अच्छे लगते मुझे। पाव भाजी वगैरह भी नहीं अच्छी लगती है, खा लेते तो बस इसी तरह जी में चलाने लगता, उल्टियाँ हो जाएंगी। बस वही हुआ था, खा के आए एकदम से पता नहीं अंदर से कैसा लग रहा था, वॉमिटिंग हो गई। ये उधर लड़कियां घड़ी ले रही हैं, तो ये दिखा रहे हैं। हम ये भगवान की पोशाक सिल रहे हैं, तो इनसे बोलते हैं कि चाय बना ला, देखना ये मोबाइल चला रहे हैं, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, क्यों सुनो जी, 4:30 बज गए। क्या बात है भाई, 4:30 बज गए हैं। चलो फिर कहाँ चलना है? कहीं ना जाना है, चलो कहीं जाना नहीं है, पहले तुम्हें चाय चलाते हैं। हाँ, अब कही मन की बात है, चाय पी लो फिर चलते हैं। हाँ ठीक है, जाओ। हम भगवान की पोशाक सिल रहे हैं, तो हम चले जाते। आज वॉमिटिंग भी हो गई है दोस्तों, तो अंदर से पता नहीं अलग अलग सा ऐसा लग रहा है कि जाके लेट जाएं, लेकिन लेटने से क्या होगा, तो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं बैठ के दुकान में। लेट जाएं तो कस्टमर आते रहते, लेडीज जैसे आती हैं तो उनको देखना पड़ता है, कहीं चूड़ी दे दो, कहीं कड़े दे दो, कहीं उनका पर्सनल सामान दे दो, तो फिर यहाँ लेडीज इनसे नहीं लेती हैं पर्सनल सामान, वो हमसे ही मांगा करती हैं। अब कभी भूल के ये कुलचे उलचे नहीं खाएंगे, क्योंकि ये नुकसान कर जाते हैं, हमें फायदा नहीं करते हैं। आज खा लिए थे, लेकिन अब नहीं खाएंगे कभी ये कुलचे मुलचे। पाव भाजी फिर भी खा लेते हैं, लेकिन ये कुलचे उलचे क्या है, अंदर से थोड़ा सा उतने अच्छे से नहीं सेक पाते हैं, मैदा के रहते हैं, तो मैदा की रोटियां नहीं अच्छी लगती। तभी हमने थोड़ा सा आटा मिला लिया था, लेकिन फिर भी मुझे सूट नहीं किए। ये देखिए वो बना लाए हैं चाय, बैठ के पी रहे, हमारी ये रखी है। आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी चाय पी लीजिए शाम की, अच्छी बनाई है वैसे। यही एक काम है जो ये कर लेते हैं, चाय बनाने का, बाकी तो और कुछ नहीं कर पाते। कहीं चले जाओ एक आध दो दिन को, तो आड़ी टेढ़ी रोटी बना लेंगे, सब्जी बना लेंगे, बस गैस है सब ऐसी डली रहती, पूरा घर गंदा संदा पड़ा रहता। एक चाय बना लेते, एक अपने पेट भरने को किसी भी तरह से चट रोटी और सब्जी बना लेंगे, बस दाल आल बनाना नहीं आती, ना चावल आवल। कुलचे भारी पड़ गए भैया, अब अपने ही को आई, अपने ही को साफ करना पड़ी। अब आपको वॉमिटिंग तो हम दिखा नहीं सकते थे, इस वजह से नहीं दिखाई है, बाकी अब पोछा ओछा लगा दें इधर।
इधर साड़ी में भी गिर गई थी, साड़ी को भी सूखे कपड़े से पोंछ दिया था। ये देखो कल्ली बाई आ गई है अपने समय से, आज इन्हें कुलचा खाने को मिलेंगे। देखो ये रखा है बढ़िया कुलचा, देखो कितनी बढ़िया पर्त खुल के बना था, मुलायम मुलायम। चलो इनको खिलाते हैं। आज कल्ली बाई कुलचा खाने को मिले हैं तुम्हें क्यों? इनसे पूछे कैसे लगे, कैसे लगे साथ बता दो। यहाँ हम आ गए हैं ऊपर दुकान से। ये नमकीन खत्म हो गया था तो एक पैकेट ये नमकीन मंगाया है, कुछ छोटे छोटे नमकीन के भुजिया के पैकेट मंगा लिए, जैसे कभी पोहा में या किसी चीज में डालना तो हो जाता है।